यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, ऑल इंडिया पेंशन डिक्लेरेशन यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, हमारे साथ जिंदाबाद, हमारे साथ एनपीएस, वो वही वहाँ एनपीएस स्क्रैप, एनपीएस स्क्रैप करो, स्क्रैप करो, एनपीएस को स्क्रैप करो, स्क्रैप करो, स्क्रैप करो, एनपीएस को स्क्रैप करो, लागू करो, लागू करो, ओपीएस को लागू करो, लागू करो, लागू करो, ओपीएस को लागू करो, एनपीएस को हटाओ, एनपीएस को हटाओ, एनपीएस को हटाओ, एनपीएस को हटाओ, ओपीएस को वापस लाओ, ओपीएस को वापस लाओ, ओपीएस को वापस लाओ, ओपीएस को वापस लाओ, आवर मिशन, ओल्ड पेंशन, आवर मिशन, ओल्ड पेंशन, स्क्रैप करो, स्क्रैप करो, एनपीएस को स्क्रैप करो, स्क्रैप करो, स्क्रैप करो, एनपीएस को स्क्रैप करो, ओपीएस को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। आज का प्रोटेस्ट जो है ये ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है। ऑल इंडिया रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से कॉल थी, मैं एज ए कन्वीनर, नेशनल कन्वीनर जो हूँ ऑल इंडिया पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट का। हमारी आज इसमें जो सारी तंजीमें शामिल है, जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो एमलगम है, बहुत सारी डिपार्टमेंटों का, या जम्मू कश्मीर मास्टर्स फोरम है, टीचर्स फोरम, सारे लोग जो हमने अपने ज़िला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जमा किए हैं। और इसका मकसद यही है कि जिस तरह से हमारी पेंशन 1947 से चल रही थी, 2010 में यहाँ पे ख़त्म की गई और एनपीएस लाया गया, और इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 से लागू किया। हम चाहते हैं जिस तरह से हमारी पेंशन थी उसी तरह से वो लागू की जाए, ओपीएस को लागू किया जाए, ओल्ड पेंशन को लागू किया जाए। और अगर हमारे जो एक्स एमएलएज़ हैं, एक्स एमपी साहिबान, सरकार को ये सोचना चाहिए, अगर वो ओल्ड पेंशन की के जो फवायद हैं वो ले रहे हैं, अगर उनका मकसद जो है वो पूरा हुआ है कि उन्होंने इसमें अपने आप अपने जो है इस पॉलिसी में वो नहीं आए हैं, हम चाहते हैं कि हमें भी उसी तर्ज पे जो है पेंशन दी जाए। आपकी वसादत से मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को, ऑनरेबल जो हमारे एल जी मनोज सिन्हा जी हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि जिस तरह से आज पूरे मुल्क भर में आज जो है स्ट्राइक है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर के जो एम्प्लॉय है वो भी आप इस आपके वसादत से सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि यहां पे भी जो है ओपीएस जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए और एनपीएस को जो है स्क्रैप किया जाए। जिस तरह से राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ ने ऐलान किया, हम भी चाहते हैं, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पे गौर और खोज किया जाएगा और इसकी पर जोर वकालत की जाएगी।